गाइज फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है और इस अच्छी तरीके से बना रहे हैं लोग, कुछ बताइए जरा। बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं और आज हम जा रहे हैं दिल्ली नालिया। तो आपको सभी को पता है हिंदुस्तान के अंदर लालिया एक ब्रांड है। तो आज हम निकलाएंगे वही आगे तक देखना क्या क्या करने वाले हैं। लाल किले की एक एक चीज अंदर क्या कैसे कैसे क्या क्या है, कैसे कैसे राजाओं ने बनाया है, सब कुछ दिखाएंगे और बने रहे जाना मत। बहुत ही अच्छी बात, सबसे ज्यादा वहाँ पे क्या मिलेंगी देखने के लिए हमें, रशिया जिसके हम बहुत प्यासे देखने के लिए। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। तो तुम देख रहे हो ये सब, ये लुगाई बाज है सब नामर्द, सिर्फ मैं तो हूँ ना, मैं ही हूँ सबसे अच्छा। गजब बेइज्जती है, साइड 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 साइड, और ही बहुत ही अच्छा है देखने को लगा। देखेगा इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, कैसे पहली बार आए हो? लाल किले की पहली बार तो नहीं आए हैं, काफी बार आए हैं, आते रहते हैं। तुम्हारी बस तुम्हारी इतनी बार तुम भी ना आए होंगे जितनी बार मैं आ गया यहाँ पे। मेरा मुँह काम है, काम जाता हूँ, यू लोना बोल रहा यू आता घोसले के चक्कर में। कैसा लग रहा है? सही है, सच में ये बात। बस हम दोनों को छोड़ के, क्योंकि हम दोनों से ज्यादा कोई शरीफ नहीं इस दुनिया में, और जितने भी देखेंगे ना सिर्फ हम दोनों ही देखेंगे। रशियन कितनी यहाँ पे सारी गिन के बताएंगे लास्ट व्लॉग में। ये है पार्किंग, हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है। स्टार साहब आइए, गाय का गाय कहाँ है? ओ भाई इतनी बड़ी गाय, चलो इसका दूध पीने चलते हैं इस गाय का। तो सर जी आप समझ गए होंगे, एक्चुअली आज बहुत खुशी का दिन है, हमने जो है अपनी जो है सर टीम को थोड़ी बड़ी कर दी है। एक्चुअली दो हमारे साथ में जो लड़के रहते थे वे झाड़ी पे रहते थे, तो आप उन्हें परमानेंट कर दिया है सर, थोड़े से अब उनको जो है तनख्वाह जो है जाएगी अकाउंट में सीधे उनके, तो मैं आपको मिलवाता हूँ उन दोनों से। ओए लो इधर को देखो, आए करो तू भी करो। ये दोनों पक्के हो गए हैं, पहले ये दाढ़ी के मजदूर थे, 500 रुपए डेली देते थे, अब 30,000 रुपए महीना इनकी नौकरी पक्की हो गई है। यार हम तो तुम्हें उल्टे पैसे दे, 500 रुपए देते थे, को बंद कर दिया। ना चल रहा मत करो भाई साहब, देखो मैं तो मान आदमी हूँ, अकाउंट में संभालता हूँ, अकाउंट में संभालता हूँ दूंगा भाई साहब, शाम को दूंगा। देखो ये भाई साहब हर जगह लड़ती है पैसे के लिए, इसीलिए भाई मैं ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करता, अभी जब मैं पैसे कैश डाल के लेगा हूँ देखो ये पैसे, क्योंकि मुझे पता है छीन लेंगे, इसलिए मैंने गड्डी जिम में रखी हुई है। तो आज आज जैसे तुम पक्के हुए हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है आज? तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं टिकट घर, और यहाँ से खरीदेंगे टिकट। जा मुस्तफा ले ले, 80-50 का 80 वाले ले ले, दे 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 नकली है भाई। मैं दूसरा दे दे, दूसरा बोलो, चल छोड़ दे भाई हमारा ना है, ये हमारा ना है, ये हमारा ना है नोट। तो ऐसा भी किसने दिया है यहाँ? हुआ क्या भाई साहब, ये जो ना नोट हम जैसे टिकट ले रहे तो इस नोट पे लाल कलर लग रहा, उन्होंने वापस कर दिया। तो सलमुद्दीन भाई कह रहे हैं मैं चला दूंगा, चला दूंगा सलमुद्दीन भाई। तो गाइज आप देख रहे हैं ये लाल किले की बाहरी बिल्डिंग, और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसके बीच में जो ये गैप है, जो गड्ढा है, ये उस टाइम पे यहाँ पे जो है पुराने टाइम में पानी भर देते थे, इसलिए ताकि अगर रात को कोई फौज हमला करे या कोई गुप्तचर आने की कोशिश करे तो उसको पहले इस गड्ढे से निकलना पड़ेगा, और इस गड्ढे में होते थे मगरमच्छ या कुछ ऐसे जानवर, ताकि कोई आदमी क्रॉस ना हो।
इससे क्या होता था कि कोई अंदर नहीं जा पाता था, आदमी गुप्तचर हो या सेना हो किसी की जो आपको हमला कर देती थी, ज़्यादातर के बाहर आपको यही मिलेगा। और ये आप जो देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू है, बिल्कुल फ्रंट व्यू है, जो किनारे बाजार से भी दिखाई देता है, चांदनी चौक से भी दिखाई देता है। और ये जो आप देख रहे हो ये है मेन गेट, क्योंकि पूरा प्रोसेसर करके हम जो अपना चेक इन वगैरह का टिकट विकट दिखा कर जाएंगे वो इसी गेट से जाएंगे। यहाँ से देखिए आप, जहाँ मैं आपको कैमरे से दिखा रहा हूँ, ये हम जा रहे हैं सीधा सीधा, ये लगी लाइन और सर ने जो है हमें निकाल दिया एक साइड से, लाइन से हटा के आप जाइए स्पेशल गेस्ट की तरह। तो यही थोड़ी सी रूटीन। और सर अगर मैं इसकी तुम्हें थोड़ी डीप जानकारी दूं तो ये मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनी गई इमारत है और भारत की जो है विश्व धरोहर की लिस्ट में है ये सर, विश्व धरोहर लिस्ट में है इसका नाम सर। ये शाहजहां ने बनवाया था सर, इसका काम स्टार्ट हुआ था 1638 ईस्वी में मुगल शैली के अनुसार, मतलब जो मुगल बनाते थे जिस तरीके की बिल्डिंग उसी तरीके की बिल्डिंग उन्होंने बनानी स्टार्ट करी। और 1638 से लेकर 1648 तक, मतलब 10 साल तक इसका काम चला, 10 साल में ही कंप्लीट हो गया, मतलब 1648 तक इसका पूरा काम हो चुका था। और सर बाकी तो अभी इसी के बारे में जानते हैं, फिलहाल तो सर ये हमारे राजनीतिक जो प्रोग्राम है 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, झंडा फहराते हैं, यही एक्टिविटी होती है। और पुराने काल में भी इसमें यही काम होता था। 17वीं शताब्दी में जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहेंद्र शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किले बिना शासक के रहा। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। तो यही इसकी है, हिस्ट्री है। और बाकी अभी ये जो तुम देख रहे हो ये मेन गेट है, इसी के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं और आपको दिखा। ये है लाल किले का गेट जहाँ से हमने एंट्री करी अंदर जाने की। अंदर तो आज पहली बार है भाई, मैं देख के क्यों इतना अच्छा लगा है मुझे, गौर से बिल्कुल आवाज कटनी नहीं चाहिए भाई जान, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोला है ऐसा जो अच्छा लगेगा सबको। तुम जाओ पहले, आए हाय आने का ना, फिर बस ऐसे आएगा ना पूरा। तो गाइस ये आप देख रहे हो एंट्री गेट, और यहाँ से सीधा अगर हम आएंगे तो, और ये है ये जो स्टेशन पर स्टेप जो है चढ़ने के लिए, यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं और झंडा फहराते हैं। ये वही व्यू है आप देख रहे होंगे, छोटी सी जो दो दिख रही है आपको, ये यही झंडे की है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहीं से झंडा फहराते हैं। और इसके बिल्कुल जस्ट आप देखोगे तो ये इसका मेन गेट है, ये देखिए भाई। और अरे कहना क्या चाहते हो, इधर इधर शीशे में देखो, फोटो ना खींच रहे। छीन गए अपने आप को हीरो समझ रहे हैं ये जो आगे जा रहे हैं, ये इतने से भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले कभी आया हूँ, क्या ये मेरा दूसरा जन्म तो ना है? मुझे भी ऐसे लग रहा है मैं भी यहाँ पहले कभी आया हूँ। ये बिल्डिंग देख के भी अलग लग रहा है, पुराने जमाने की याद आ रही है। हाँ तुम यहाँ पे ऐसे लगा ना, या कंचे खेलो यहाँ पे है नी, इस जगह यहीं पे ये तो देख रहे हो ना, देखियो इन ये ऐसे गौर से देख रहे हैं जैसे कुछ पहले जमाने में इनको कुछ याद आ रहा हो, इसे देख के कुछ आ रहा जैसे मेरा दूसरा जन्म हो। ये बात यहाँ से गिर गया तो मेरे माथे पे चोट लग गई, देखो ये बात। मुझे भी तो ऐसे लग रहा है ना, तुम इतने अफसोस में इसे देख के कुछ याद कर रहे हो, क्या पता तुम भी आए कभी
ये ऐसा हो सके लाल किला हमारे दादा परदादा का तो ना नहीं ना ये भी ऐसी लगता कुछ और पीछे तो है भाई साहब अभी कभी पता अपना है। देखो भाई साहब इतना हाथ अंदर है मेरा देखो कैसे पकड़ा खड्डे हो रहे खड्डे क्या है क्या कर रहे हो तुम नौबत खाना अभी तो है नौबत खाना अब मुझे नहीं पता नहीं नौबत क्या है उनकी नौबत चलाना चाह रहे हैं ये इस नौबत को तो आएगा देख तो नौबत नौबत आएगी इससे जाते भी क्या बिल्कुल जो खाट पैसे में नोट क्या नौबत लाएगा पता मतलब क्या नौबत लाना चाह रहा है भाई पता नहीं भाई यू इस नौबत पे आएगा और कौन सी नौबत लाऊं ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ तो कौन सी नौबत लाने जा रहे हो भाई जल्दी चलो भाई जल्दी चलो यार बहुत ही तो मजदूरी करी तुमने यहाँ पे इन हाथों से बनाया झाटू इन हाथों से बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस ये लाल किले के अंदर का एक म्यूजियम है और यहाँ पे जो है नाम लिखे हुए हैं जो हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया जनसंहार इनके साथ हुआ और जो जो हमारे से हमारे क्रांतिकारियों के साथ में हमारे बुजुर्गों के साथ में हुआ है वो सब इन्होंने यहाँ पे लिखे ये एक हिस्ट्री का पूरा पर्दा फिल्म जैसा इन्होंने पर्दे पर उतारने की कोशिश की हुई है। अच्छी चीज़ है भाई जाओ तो इस बार इस म्यूज़ियम में ज़रूर जाना और ये अच्छी चीज़ है भाई तो प्लीज़ सब देखो भाइयों जाओ अपनी हिस्ट्री के बारे में जा देखो हमें किस तरीके से आज़ादी मिली है हमने हमारे बड़ों ने क्या क्या परेशानी झेल कर हमें आज़ादी दिलाई है ये सब जाके देखो भाई जब भी लाल किला जाओ तो विजिट करो यहाँ पे अच्छी चीज़ है देखने की चीज़ है भाइयों पता लगता है कि हमारे लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की ब्लॉग बना रहे हैं हम यहाँ पे जानी पिछानी सी चीज लगा ये तो है आओ चलते भाई यार हाँ यार जिसके लिए आया ना मैं तो रशियन नहीं दिखाई दी रशियन देखेगा नहीं बोल सकता आगे कोई बात भी ऐसी नहीं है हमारी टीम में मम्मी है हाँ में कोई नहीं है और जो हम जा रहे हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है दीवाने आम यहाँ पे जो राजा होते थे यहाँ पर बैठकर आम जनता की बातें सुनते थे उनकी परेशानी सुनते थे मानो आपके ये उस टाइम का दरबार था जनता दरबार मानो आप इसे तो यहाँ पे वो राजा बैठते थे और मैं आपको सामने जो दिखा रहा हूँ ये सीसी से कवर कर रखा अभी इन्होंने ये राजा यहाँ पर बैठकर आम जनता की बातें सुनते थे ये दीवाने आम है इसका नाम तो ये बहुत ही अच्छा है और ये जो राजा समझिए मरमर का बना हुआ है मेरे हिसाब से शायद ये जो उनका तख्त है इसको तख्त बोलते थे पहले यहीं पे गद्दी वगैरह तख्त वगैरह बोलते थे और सामने जो आप देख रहे हो ना सर यहाँ पे जब कोई वीवीआईपी आदमी आते थे तो ड्रम बजते थे यहाँ पे ढोल नगाड़े बजते थे ये देखिए मैंने पास से आपको दिखाया है ये राजा का तख्त है जहाँ पर राजा बैठ कर आम जनता की परेशानी सुनते थे जल्दी वहां से हटो गाइज जो सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो है रंग महल
जो लाल किले में ही स्थित है। इसको जनाना घर भी कहते हैं, जनाना महल भी कहते हैं। एक्चुअली जनाना इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आप फाउंटेन देख रहे हो ना, इसके चारों तरफ उस टाइम की जो लेडीज़ थी वो आ जाती थी और यहाँ पर बैठ जाती थी हवा के लिए, या शाम के टाइम जब भी वो आती थी, क्योंकि जो ये बिल्डिंग है इसके पीछे भी यमुना नदी है, वहाँ की भी ठंडी हवाएँ आती थी और ये फाउंटेन भी यहाँ पे ठंडी हवा चलना बस की ना इनके। तो पैसे एक और नई बिल्डिंग और इसका नाम है दीवाने खास। एक्चुअली इसे कह सकते हो उस टाइम का पार्लियामेंट, क्योंकि यहाँ पे जो विशेष मीटिंग्स होती थी वो यहीं पे होती थी। जैसे कि मान लो मंत्री होते थे उस टाइम पे, जो भी पदाधिकारी होते थे, तो वो यहीं पे बैठकर अहम मीटिंग होती थी। और आप इसको देख रहे हो, इसकी जो छत मैंने आपको दिखाई है और ये छोटे छोटे जो आपको पेंटिंग जैसे लग रहे होंगे, ये फ्लावर जो थमों पर लगे हुए हैं, ये एक्चुअली पेंटिंग नहीं है, पत्थर पर ही नक्काशी हुई हुई है और इसमें जो है हीरे लगे हुए थे उस टाइम पर। तो 1947 से पहले जो अंग्रेज थे वो इन्हें उखाड़ कर लेके चले गए थे। और ये दीवाने खास है, उस टाइम का पार्लियामेंट है। और इसके नज़दीक ही जैसे हम इससे गुजरेंगे अगले, तो ये हम्माम है। ये जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी ये हम्माम है। यहाँ पे बीच में तो राजा नहाता था शाहजहाँ साहब, और बराबर में लेडीज़, और दूसरी तरफ जेंट्स के लिए बना हुआ था। फिलहाल ये बंद है। और अब मैं सीधा आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ मोती मस्जिद। ये स्पेशल शाहजहाँ ने अपने लिए बनाई थी, उन्होंने अपने लिए ही ये मस्जिद बनाई थी शाहजहाँ ने। गुलाम भैया हो तुम्हारा आगे बांधा हूँ, आगे कुछ नहीं बोल सकते, वैसा बहुत इस बार सेटिंग वगैरह हो जाती है। मैं क्या पता अंदर की बातों का। तो भैया कह रहे जब भी तुम सेटिंग, भैया कहाँ गई है उन्होंने, थैंक यू भैया गई है। अरे नहीं यार अब भी तुम्हारी नहीं। तो गाइस ब्लॉग को छोटा करते हुए हम सीधे चलते हैं जो बड़ा म्यूजियम है। यहाँ पे रखे हुए पेपर्स जिन पर साइन सिग्नेचर हुए हैं, उस टाइम की संधि हुई हुई होंगी जो भी है, और साथ में कुछ हथियार रखे हुए हैं यहाँ पे पुराने ज़माने के में जो यूज होते थे, जैसे कि तीर कमान है। यहाँ पे तीर रखा हुआ है और कमान भी पड़ी हुई है। उसके बाद में आप देख सकते हैं तलवार से। और उन्होंने ये फिक्स गैलरी में गैलरी जैसे लगा रखा है एक, और कांच के अंदर ये सब चीज़ें पुरानी चीज़ें रख रखी हैं ताकि कोई आदमी टच ना कर सके। और ये पुराने ज़माने के हथियार हैं, लेकिन मुझे तो आधुनिक हथियार लग रहे हैं। ये देखो कट्टे हैं छोटे छोटे, रिवाल्वर बोल होते होंगे जो भी कहते होंगे, मुझे तो नहीं है सही जानकारी इनके बारे में। और चाकू वगैरह यहाँ पर उन्होंने सेट करके फिक्स कर रखे हैं यहाँ पर, जो उस टाइम पर हथियार यूज होते थे, लाइक राइफल है, हथौड़ी है, कट्टा है, इस तरह के जो भी हैं। उन्होंने पूरी की पूरी एक गैलरी बनाई है वहाँ पे, एक पूरा रूम इसी के लिए है ताकि आदमी आए और देखें कि जो हमारे बड़े थे बुजुर्ग थे वो किस तरीके से इनका किस यंत्र को चलाते थे, उस टाइम पे किस शस्त्र को चलाते थे, उसके लिए उन्होंने रखा हुआ है पूरे का पूरा ये सिस्टम। काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, आदमी आते हैं देखते हैं। मुझे तो लगता है अगर तुम आओ तो देखो, देखो यहाँ पे देखो तोप के गोले रखे हुए हैं और बहादुर शाह जफर की बंदूक है और उनकी कमान है, बंदूक सॉरी तलवार है और उनकी कमान है जो रखी हुई है यहाँ पे। और ये बहादुर शाह जफर का पोशाक है, उनकी लिबास है, उनका जो पहनते थे वो उस टाइम पे। बहुत अच्छा उस टाइम पे डिज़ाइन है, इतना पुराना है लेकिन लग रहा है कि नया ही है। और ये आप देख रहे हो स्कर्ट जो दिख रही है, ये उनकी बीवी की स्कर्ट है। तो उन्होंने ये सब बहादुर शाह जफर की कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने संभाल के रखी हैं। एक म्यूजियम है, याद दिलाता है क्रांतिकारियों की और जो राजा महाराजा तो नहीं देखी, पर यार क्या करूँ मैं, अब तो देख ही गई। इतनी खूबसूरत रशियन चमकते ही ना ये पागल हो जाएंगे। अब यहाँ आ गए, चलो हमको देखना है ना, वो तो देख ही गए।
बस उन्हें ढूंढते फिर रहे, हमारा कोई ख्याल ही नहीं है इतना सब। फैन बेस देख रहे हो भाई का, कितना तगड़ा फैन बेस है, सिस्टम है भाई। तो भाई यार सिस्टम विस्टम की ऐसी तैसी, आप करो ब्लॉग को शेयर लाइक एंड इस पर कमेंट करो, जो टेक्निकल इशू हो उनके बारे में भी हमें बताओ यार, क्योंकि आप बताओगे तभी तो यार सुधार होगा। ठीक है बाय। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया, और भाई ये मेरा नया चैनल मिस्टर सलमुद्दीन व्लॉग के नाम से, और इसे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और लाल बटन को तोड़ो गाइस, तोड़ दो, और ऐसी आपको वीडियो डालता रहूंगा और सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू।